मध्य प्रदेश की बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के आयुष कुंडल ने क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आयुष कुंडल की सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से ग्रसित है, उनके हाथ और शरीर कार्य नहीं करते हैं, वह पूर्ण तरीके से उनकी माताजी पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद भी वह अपने पांव से पेंटिंग बनाने का शौक रखते हैं। आयुष कुंडल ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पेंटिंग भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। नगर आगमन पर क्षेत्र के विधायक सचिन बिरला ने भाजपा नेताओं के साथ अपने कार्यालय पर भव्य स्वागत कर आयुष कुंडल के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे परिवार का साथी छोटा भाई आयुष कुंडल प्रधानमंत्री जी से मिलकर आज हमारे बीच में आया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम सब लोगों को आयुष से प्रेरणा लेना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। इतने संघर्ष के बाद भी उन्होंने अपना जो काम है चित्रकारी का वो नहीं छोड़ा और बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आयुष के परिवार का घर नहीं है, किराए के मकान में पूरा परिवार रहता है, गरीबी का जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आयुष जिस तरह की चित्र बनाएगा, जिस तरह की पेंटिंग करेगा, उसी तरह का मकान हम आयुष को उपलब्ध कराएंगे। ऐसे भाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किए। हम सब लोग इस वक्त हम सब लोग प्रधानमंत्री जी का आभार कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे परिवार के साथी आयुष का, हमारे विधानसभा का आज आयुष ने नाम ऊंचा किया, पूरे देश में आज आयुष कुंडल का नाम सभी लोगों की जुबान पर है। आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और भविष्य में देखेंगे कि आयुष का अच्छा घर बनेगा और अच्छा जीवन है। सनावत से नीलेश मालाकार की ये रिपोर्ट।